ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 यूनिट्स एंड डायमेंशन हमने स्टार्ट की थी। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने डिस्कशन की थी। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कितने लोगों को डाउट है? क्वेश्चन 16 कितने से हो गया? ठीक ठीक है, डाउट है, ठीक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हाथ खड़ा करो, कितने को डाउट है? 17। गिवन दैट y इज इक्वल टू 2π/λ इंटू सी टी माइनस एक्स, ठीक, वेयर a का मतलब एम्पलीट्यूड l है, y का मतलब l है, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ l है, c का मतलब स्पीड lt माइनस वन है और x का मतलब लेंथ है। मैंने रूल बताया था 2π/λ को सबसे पहले इन दोनों से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लिया मल्टीप्लाई। उसके बाद आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। मेरे दिमाग में आया क्योंकि ये डायमेंशनलेस है तो ये टर्म पूरी की पूरी क्या होगी, 1, और ये वाली टर्म भी पूरी की पूरी क्या होगी, 1, क्योंकि डायमेंशनलेस है तो अगर पूरा 1 है तो ये इंडिविजुअल भी 1 और 1 है। ये भी क्लियर है यहाँ तक? बट इससे फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। उसका रीज़न ये है कि जब मैंने ऑप्शंस को रीड किया तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं इक्वेशन की। वो क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ लैम्डा एल होता है इज सेम दैट ऑफ एक्स, एल एंड ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, एल। तो पहली स्टेटमेंट ही क्या आ गई, ट्रू, आंसर इज ए। ठीक तो बोल रहे हैं कि क्या उसको ट्रू बताना है। तो लैम्डा किस में होता है, लेंथ में, एक्स किस में होता है, लेंथ में, ए किस में होता है, लेंथ में। जब सारे लेंथ हैं और बोला कौन सा ऑप्शन ट्रू है तो तीनों ऑप्शन में एल आ रहा है तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, आगे भी चेक कर लें। यूनिट ऑफ लैम्डा एल इज सेम दैट ऑफ एक्स एल बट नॉट ऑफ ए, नहीं गलत, तीनों का सेम है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ सी, सी क्या होता है, एल टी माइनस वन, इज सेम एज दैट ऑफ 2π/λ, 2π का कुछ नहीं होता, लैम्डा का 1/L, गलत है। मैं चेक क्यों कर रहा हूँ, सिंगल चॉइस पेपर है, पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया तो मैं क्यों चेक करूँगा, आंसर ए इज द आंसर, डन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट, 18 में करेक्शन करो, यहाँ पर v स्क्वायर है, v के नीचे 2 नहीं है, v की पावर 2 है इसमें, v की पावर 2 है इसमें, राइट। तो इसके अंदर ये आपके सामने 18th जो है क्वेश्चन है, इसके अंदर p फॉर प्रेशर, v फॉर वॉल्यूम, t फॉर टेम्परेचर, राइट, r फॉर गैस कॉन्स्टेंट। तो इसके अंदर आपको कुछ ये बताना है कि a और a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, अगले पार्ट में ये बताना है कि b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, राइट। ये क्वेश्चन है, आपको a का और b का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। मेरे पास और भी कई तरीके थे सॉल्व करने के, पर सबसे बेस्ट तरीका मुझे ये लगा, मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। तो मैंने इस टर्म को इससे, इस टर्म को इससे, इस टर्म को इससे और इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया और ये टर्म आ गई। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा ओपन कर लिया। फिर मैंने क्या किया, प्रेशर का मतलब होता है ml माइनस वन टी माइनस टू और वॉल्यूम का मतलब होता है l क्यूब। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर क्या आ गया, ml टू टी माइनस टू। मल्टीप्लाई करने के बाद ml टू टी माइनस टू। अब मुझे पता है कि ये पूरी एक इक्वेशन है और हमने क्या डिस्कस किया था, पूरी इक्वेशन में जो डायमेंशन फॉर्मूला इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा और वही इसका होगा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, ml टू t माइनस टू, तो इसका भी क्या होगा, ml टू t माइनस टू, इसका भी क्या होगा, ml टू t माइनस टू, और इसका भी, और इसका भी सेम होगा, करने की जरूरत नहीं है। बोलो, a a b, ओके, यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर ए बी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर आएगा, ओके डन, राइट, सही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा, टी से कट नहीं जाएगा केल्विन टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो जब ये डायमेंशन फॉर्मूला करेक्ट है तो ओपन करने के बाद तो सारा डायमेंशन फॉर्मूला सेम आना ही है, ये पॉइंट क्लियर है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई। अब मुझे पता है कि ए अपॉन, यहां पर क्या है, v, a अपॉन v,
ए अपॉन वी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, एम एल टू टी माइनस टू। क्या स्टेप क्लियर है? ए अपॉन वी का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू। तो यहां से वी का मतलब वॉल्यूम है, राइट साइड पे ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया, सही हो गया, ए आ गया, राइट। उसी तरीके से अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला बात करते हैं बी की, अगर हम बी की बात करते हैं तो अब मुझे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा इसमें। इसमें क्या करना पड़ेगा, यहां से कर लेते हैं, चलो यहां से कर लेते हैं, पी बी ऐसे करते हैं, पी इंटू बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टू टी माइनस टू। क्लियर है? प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। क्लियर है? तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसको और इसको आपस में क्या कर लेना है, डिवाइड, आंसर आ जाएगा। ये भी क्लियर है? सेकेंड मेथड, ए का आ गया, बी का आ जाएगा इसमें, कोई डाउट इसमें? तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला, बी का डायमेंशन फॉर्मूला, राइट। नेक्स्ट, ए और बी आ गया। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ आर टी। आर टी के साथ किसका डायमेंशन फॉर्मूला मेल नहीं खाता, नहीं खाता। तो जब मैंने ओपन किया तो आर टी का डायमेंशन फॉर्मूला पी वी के इक्वल सही है, तो पी वी के इक्वल सही है। आर टी का डायमेंशन फॉर्मूला पी बी के इक्वल, ये भी सही है, पी बी के इक्वल भी है। आर टी का डायमेंशन फॉर्मूला ए अपॉन वी के इक्वल है, और ये क्या कह रहा है, ए बाई वी का स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ पर वी स्क्वायर भी था। तो आर टी का डायमेंशन फॉर्मूला ए अपॉन वी के स्क्वायर के इक्वल है, ए अपॉन वी के इक्वल नहीं है, तो ये आंसर आ गया, अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ से ये नॉट करेक्ट हो जाएगा आंसर। इसके बाद इस क्वेश्चन में वो कह रहा है ए बी बाई आर टी का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल है। एक बात बताओ, ए बी और आर टी, ओके ये मुझे करेक्शन करनी पड़ेगी, इसमें चेक करना पड़ेगा, मैंने गलत किया इसमें। एक काम करेंगे, जो मेरी इक्वेशन है ऊपर, मेरी इक्वेशन क्या है, मेरी इक्वेशन ये इक्वेशन है, राइट। जो मेरी इक्वेशन है उसमें ए बी के नीचे क्या चल रहा है, वी का स्क्वायर, राइट। तो मुझे पता है कि आर टी का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल है, ए बी अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल है। क्या स्टेप क्लियर है? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ए बी और आर टी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, जो मुझे निकालना है, ये निकालना है ए बी बाई आर टी, तो ए बी बाई आर टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, वी का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, एल का क्यूब का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, एल की पावर सिक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक कैसे करना है? तो बेसिकली जब आप इक्वेशन ओपन कर लेते हैं उसके बाद सारे पार्ट्स अपने आप आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? इसके बाद नेक्स्ट है, ये मैंने गलत किया हुआ, करेक्शन कर दूंगा। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर टी इज सेम एज दैट ऑफ, देखो जो आर टी का डायमेंशन फॉर्मूला है वो पी वी के साथ मैच करता है, और पी वी हम निकाल चुके हैं किसके इक्वल है, एम एल टू टी माइनस टू। एम एल टू टी माइनस टू किसका फॉर्मूला होता है, एनर्जी का, तो आप एनर्जी मार्क कर देना, डन हो गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, ठीक। तो इसी के साथ आपका डायमेंशनल फॉर्मूला का चैप्टर क्या होता है, खत्म। मैंने ये बताया था लास्ट टाइम, मुझे डी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो फॉर्मूले में डी को एक तरफ, बाकी टर्म्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ। ये एल है, ये एल है, तो एल में से एल गया, न्यूमिनेटर एल आ गया। एन और एन वन एन टू क्या चीज़ है, एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट एरिया यूनिट टाइम, यूनिट एरिया यूनिट टाइम को ऐसा लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल यूनिट एरिया यूनिट टाइम। नंबर ऑफ पार्टिकल का तो कुछ नहीं, एरिया क्या है एल स्क्वायर, टाइम क्या है टी, एन आ गया। ऐसी एन वन एन टू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, तो वन बाई एल क्यूब एन वन एन टू आ गया, राइट। तो एन वन एन टू आ गया, एन आ गया, आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक।